समय मेरा फोकस जो था केवल दूध पर था। अच्छा। और दूध पर फोकस करने वाला कभी डेयरी चला नहीं सकता लंबे समय तक। ये फर्स्ट टाइमर है। अच्छा अच्छा, अभी फर्स्ट टाइमर है ये। हाँ जी, अभी इसने एक दांत तोड़ा है। अच्छा, ठीक है जी। मिल्क टीथ में थी, अभी इसने एक दांत तोड़ा है। सिलेक्शन मैंने अपने हिसाब से करा। अच्छा, आपने अपने उनका काम था दिखाना। उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी। उन्होंने कहा तिवारी जी ये गाय है आप देख लो। मैंने ये फर्स्ट लैक्टेशन में इसका 48 लीटर 400 ग्राम था। अच्छा। जो डाटा मेरे पास है ये लेब्रान की है। अच्छा। जैसे प्रेग्नेंट पशु का फीड अलग है, ट्रांजिशन फीड अलग है, जो 20-21 दिन बच्चा देने वाली है, ठीक है, बच्चियों का फीड अलग है, काब ग्रोवर उनका अलग रखा हुआ है। फीड में लाइव ईस्ट की मात्रा बढ़ा देते हैं। अच्छा। ठीक, तो जिससे जानवर फीड इंटेक कर पाए और जो भी इंटेक करे वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट। इसको एक छोटी मोटी इंडस्ट्री मान के चलो कि टाइम टू टाइम मुझे यहाँ पे समय देना है जी जी। तब आप इसको प्रॉफिट में ला सकते हैं। बाकी कापी कलम लेकर कैलकुलेट करके इतने का दूध इतने का ये इतना प्रॉफिट, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कितने लीटर दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं हूँ उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के विक्रम जोध के बगल में नेटरपत्ती एक गाँव है, उस गाँव के बीच में आया हूँ। और आप हमारे पीछे जो डेयरी फार्म देख रहे हैं ये पिछले 2008 से चलाया जा रहा है। इस डेयरी फार्म में उतार चढ़ाव बहुत आए, जब शुरुआत हुई 1992 से इसकी नींव डाली गई थी, लेकिन इंटरेस्ट न होने के कारण बहुत उतार चढ़ाव आए और इंटरेस्ट जब जगा तो आज इतनी शानदार पशु अपने फार्म में रख रखे हैं। और दो चार चीजें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये पशु कुछ पशु जो है पंजाब से लेकर गया थे। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, जैसे एक जर्सी की पशु दिख रही है, एक यहाँ बैठी हुई पशु दिख रही है, वीडियो में आप आगे देखेंगे। तो ये सारी की सारी पशु ये पंजाब से लेकर गया थे और काफी अच्छे से मैनेज भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम बात करने लगे, क्योंकि हमने एक आपको वीडियो कुछ दिन पहले बनाया था कि पंजाब में धोखाधड़ी होता है भाई, तो हम एक चीज के बदले हम किसी पूरे पंजाब को नहीं बदनाम कर सकते हैं, पंजाब में अच्छे लोग भी है, तो उस विषय पर भी हम इस वीडियो में बात करने। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जानकारी लेने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब इस तरह का वीडियो बना तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो आइए हम सर से बात करेंगे और पूरी की पूरी इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि इस तरह का शेड इन्होंने कब बनवाया, कैसे रख रखाव करते हैं, बहुत सारी चीजें जो हम बात करेंगे इस वीडियो। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना परिचय बता दीजिएगा और ये फार्म आपका कहाँ पर है ये आप बता दीजिएगा सर। जी, मेरा नाम सुधाकर तिवारी है जी। मेरा फार्म बस्ती जिले में विक्रम जोत एक टाउन एरिया है, उसके बगल में स्थित नेतवरपट्टी गाँव है, वहाँ पे मेरा डेयरी फार्म है जी। तो सर इसकी शुरुआत आपने कब की, इसकी शुरुआत हमने जर्नी के बारे में आप अपना बताएंगे हमारे दर्शकों को। इसकी शुरुआत हमने 1992 से किया, बीच में तमाम सारी विसंगतियाँ आई, डेयरी चली ढीली पड़ गई, लेकिन 2008 से सुचारू रूप से डेयरी चल रही है। अच्छा जी। तो 1992 से सर आपने बताया, तो आखिर क्यों कभी ढीली पड़ जाती थी, कभी सुचारू रूप से चलाते थे, ऐसा क्यों होता था सर? डेयरी को लेकर हम सीरियस नहीं थे। अगर आप डेयरी को लेकर सीरियस नहीं हो तो डेयरी आपकी कभी नहीं चल सकती। आप चला ही नहीं पाओगे, साल दो साल आप चला सकते हो, बाकी कोलैप्स होना तय है। अच्छा, अच्छा। और जब हमने गंभीर रूप से इसको चलाना शुरू किया, यानी कि आप ये मान के चलो कि मैं डेयरी को लेकर सीरियस हो गया, तो डेयरी हमारी ठीक ठाक चल रही है। अच्छा। तो सर जैसे 2008 में आपने जब लगे तो उस समय आपके पास कितनी पशु थी? उस समय हमारे पास 25-26 पशु थे। 25-26? हाँ, 25-26। अच्छा, और अभी कितनी है? अभी तो मेरे ख्याल से 30-32 हो गए। अच्छा। हाँ, तो 25-26 उस टाइम में भी और 30-32 अभी भी, तो आखिर ऐसा क्यों सर, ये आपने बढ़ाया क्यों नहीं, या ऐसा कुछ है, क्या आपने डेवलपमेंट किया इसके बारे में? हुआ क्या, उस समय मेरा फोकस जो था केवल दूध पर था। अच्छा। और दूध पर फोकस करने वाला कभी डेयरी चला नहीं सकता लंबे समय तक, ठीक है। अब हमने ब्रीडिंग पे काम करना शुरू किया। अच्छा, ठीक है। अच्छे अच्छे सीमन का हम चयन करते हैं जी, ठीक है। तो उसके बाद से मेरी डेयरी फिलहाल, मैं डेयरी को लेकर संतुष्ट हूँ और डेयरी भी हमारी ठीक ठाक चल रही है जी। तो 2008 में जब आप लगे थे सर जी, तो जैसे उस समय आपको क्या परेशानी आती थी, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। परेशानियां तो सर डेयरी में बहुत सारी हैं जी, लेकिन थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। जैसे कि मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अगर आप सुचारू रूप से नहीं करोगे तो तमाम सारी बीमारियां आएंगी, जो भी आपका प्रॉफिट है वो सारा पैसा आप डॉक्टर को दोगे जी। अगर आप डेयरी में मैनेजमेंट आप अच्छा कर ले गए, गायों का चयन आपके अच्छा है जी, तो फिर मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जी, जी। थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाता है, गाय अपना कैरेक्टर अपना लक्षण दिखाती है, आप पहचानना सीखो क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड कर रही है वो जी, तो फिर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है डेयरी का। अच्छा, अच्छा। जी, 2008 में जब आप लगे थे सर, एवरेज अगर देखा जाए तो कितने लीटर वाली पशु रखे थे उस टाइम में? उस समय भी सर मेरे पास 33-34 लीटर की पशु थी। उस समय भी 33-34 लीटर की पशु थी। तो पशुओं की खरीदारी मतलब उस समय कहाँ से करते थे? उस समय हम लोकल में यहीं, जैसे गोंडा हुआ अपना, गोरखपुर हुआ जी,
फैजाबाद हुआ, अयोध्या हुआ, यहाँ से हम परचेज करते थे। और अभी पशु की खरीदारी कहाँ से करते हैं? अभी पशु की खरीदारी अभी तो एट लास्ट मैंने अभी एक महीना हुआ मैं पंजाब से लेके आया। अच्छा अच्छा जी जी। तो पंजाब से पशु जो लेकर गए थे वो कौन कौन सी है सर, थोड़ी सी वो, उसके बाद बात करेंगे उसके विषय पर हम। एक ये है, ये फर्स्ट टाइमर है। अच्छा अच्छा, फर्स्ट टाइमर है ये। हाँ जी, अभी इसने एक दांत तोड़ा है। अच्छा ठीक है जी। मिल्क टीथ में थी, अभी इसने एक दांत तोड़ा है, ये स्टोइक के है। अच्छा जी जी जी। तो जैसे सर जनरली हमने सुना है ऐसा जी, आप पंजाब से अगर पशु लेकर के आते हैं तो आप ठगे जाएंगे या पशु आपके यहाँ के सिट नहीं कर पाती है, ऐसा हमने सुना है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर जी। आपको पशु का सिलेक्शन करने के लिए आपके पास अपना दिमाग होना चाहिए जी। अगर आप खुद में दिमाग नहीं रखते हो तो आप पंजाब से पशु ना लाओ जी। पशु आपको महंगे मिलेंगे, अगर आप जनरेशन के पशु लेते हो तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। बट चूंकि आप उनकी 15 साल 20 साल की मेहनत लेके आ रहे हो आप जी। ठीक कहीं नहीं, मैं तो पंजाब से पशु लेके आया, सारा पशु हमारे अच्छी मिल कर रहे हैं, कहीं अच्छा, कोई दिक्कत अच्छा। नहीं आ रही है। तो जो एट लास्ट जो आपने लेके आया था कितनी पशु लेकर के आए? ये मैं 7 पशु लेके आया था अजी डेयरी फार्म चरणजीत भाई से। अच्छा अच्छा हाँ। तो जैसे पशु खरीदने से पहले आपने क्या इंक्वायरी वहाँ पे की थी या डायरेक्ट पहुँच गए थे? नहीं, मैंने बातचीत करी थी, मैं पहुँच गया उनके पास। हाँ। तो फिर वहाँ पे पशु की सिलेक्शन हुई आपकी? नहीं, पशु की सिलेक्शन मैंने अपने हिसाब से करा। अच्छा, आपने अपने उनका काम था दिखाना जी। उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी, उन्होंने कहा तिवारी जी ये गाय है आप देख लो। मैंने देखा, मुझे जो अच्छी लगी वो गाय मैंने ले ली। अच्छा, तो कितने लीटर वाली यहाँ पे अपनी सिलेक्शन? अब ये तो सर ये तो फर्स्ट टाइमर है, इसका जो पीक यील्ड होना चाहिए जी। जो इसकी कैपेसिटी है वो लगभग 40 की है। अच्छा। बट मेरे यहाँ ये 30-35 भी कर दे। अच्छा। अभी ये 25-26 पे चल रही है। अच्छा, अच्छा। 25-26 पे चल रही है। इसको सेक्सल सीमन लगा था, इसने टबास्को की बछिया। अच्छा अच्छा, इसके नीचे जी जी। ठीक है सर। तो जैसे पंजाब से जब पशु आप लेकर गए तो क्या परेशानी मतलब होता है? कोई इसके बारे में जरूरी हमारे कोई परेशानी नहीं होती सर। वहाँ पे आप लोड कराओ, एक हाल्ट लेते हैं, उसके बाद में आराम से पशु आपके यहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा धोखा वाला बात नहीं? नहीं, कहीं धोखा वाला बात नहीं होता। आप गलत आदमी का चयन करोगे, गलत आदमी का सिलेक्शन करोगे, फिर तो आपको धोखा मिलना तय है। बिल्कुल, एक आदमी से पूरे वो प्रदेश नहीं बचा। हाँ, नहीं नहीं, अच्छे लोग भी हैं। जी जी, अच्छे लोग। तो मतलब जो दूध आप वहाँ से लेकर के आए थे वो अभी पीक पर अभी उतना नहीं आई है? अभी पीक पर नहीं आई है, बट जो भी दे रही है उससे मैं सेटिस्फाई हूँ, पीक पर अभी आएंगी गाएंगी। कितने दिन पहले मतलब लेकर के आए थे? अभी तो सर मुश्किल से एक महीना हुआ। एक महीना पहले? जी जी जी। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर कौन सी पशु लेकर के आए थे सर? उसके बाद में ये वॉल्केनो की जर्सी है। अच्छा जी जी। और तो ये जर्सी का मतलब क्या रिकॉर्ड है इसका? जर्सी का रिकॉर्ड जो वहाँ पे बताया गया मुझे 30 लीटर का। अच्छा, 30 लीटर का बताया गया, बट मेरे यहाँ 25 भी देगी मैं सेटिस्फाई हूँ। अच्छा, क्योंकि 5-10 तो इधर उधर होते रहते हैं। जी जी जी। अभी इसने बच्चा भी नहीं किया है, मैं एक बेसिक बात कर रहा हूँ, 25 पर भी मैं सेटिस्फाई हूँ। अच्छा अच्छा जी जी। तो अगर देखा जाए तो एवरेज कितने लीटर वाली आपने पसंद किया था वहाँ पे? अभी तो सर ये जो है इसका रिकॉर्ड मैंने कंप्यूटर डाटा पे देखा। अच्छा, ये फर्स्ट लैक्टेशन में इसका 48 लीटर 400 ग्राम था। अच्छा, जो डाटा मेरे पास है ये लेब्रॉन की है। अच्छा, लेब्रॉन की है। अभी इसने कल बच्चा किया है। अच्छा जी। तो अभी पीक पे तो अभी आई नहीं? अभी कोई सवाल ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं। जी जी जी। तो अब हम जानना चाहते हैं जैसे उनका फीड प्लान, तो पंजाब में फीड प्लान होता है, क्या आप अपने उपलब्ध करा पाते हैं, नहीं करा पाते? अब सर मेरा प्रयास तो रहता है कि मैं बेहतर से बेहतर फीड इनके लिए मुहैया कराऊं। बट पंजाब और यहाँ पे एक बेसिक अंतर है, वहाँ जो चीज़ें मिलती हैं वो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल पाएंगी। अच्छा, और उस ज़रूरत को हम फीड सप्लीमेंट से कम्प्लीट करते हैं। अच्छा अच्छा जी जी। तो मतलब पंजाब से आपको लाने में कोई परेशानी नहीं? कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई सर। और उसके अलावा भी बहुत सारे अवमानना आपने भी सुना होगा यूट्यूब वगैरह पे, बहुत सारे लोग कहते भी हैं हम पंजाब से लाए तो ठगे गए, ये हो गए, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर वो एक नौटंकी है जी, वो एक नौटंकी है, एक ड्रामा है जी। ठीक, आप पंजाब क्यों जाते हो? जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप क्यों जाते हो पंजाब? जी जी। आप वहाँ से गाय लाते हो, गाय लाने के बाद में आप कहते हो मैं ठगा गया, मेरे से इतना ले लिया। आप देके आए हो जी जी। उसने आपसे छीना नहीं है, आप देके आए हो जी जी। फिर वो बहुत अच्छा था, यहाँ लाने के बाद में आप तरह तरह की बात करते हो जी जी जी। चलिए सर, तो ये चीज आपने बताई, लोगों का भ्रम को दूर किया कि पंजाब में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम एक व्यक्ति के कारण पूरे प्रदेश को नहीं बदनाम करते। पंजाब में होता क्या है, हर आदमी अपने आप में बहुत ही बुद्धिमान है जी। उसको बेचने और खरीदने की कला में वो लोग माहिर हैं जी। लेकिन आपके पास अपना भी दिमाग होना चाहिए कि मैं कौन सी गाय लेके आ रहा हूँ, कैसी लेके आ रहा हूँ। आप प्रेग्नेंट पशु लो जी जी। आपके पास अपना दिमाग होना चाहिए कि ये इतना दूध दे सकती है जी। जितना वो बताते हैं उससे माइनस आप 10 लीटर कर दो, वो 40 बताते हैं आप 30 पे कम्प्रोमाइज करो, फिर आप कभी परेशान नहीं रहोगे। वो 40 बताए, 45 बताए, 50 बताए, आप उसी पर टिके हो, फिर आप परेशान होगे। और दूसरी दिक्कत यह है कि आप फीड भी उस तरीके से नहीं दे पाते हो। हमारा फीड मार्ट डेयरी फार्म
सुधीर सर के यहाँ से आता है। अच्छा, अच्छा। जो अपने आप में बेस्ट फीड है। अच्छा, अच्छा। उसका परफॉर्मेंस भी मुझे मिल रहा है, गाय बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है, गाय दूध भी दे रही है, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है। इसके पहले हम टिवाना भी खिलाते थे, शीतल भी खिलाते थे, बट उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। जी तो सर, जैसे अब रेट की बात करते हैं, जो रेट मतलब 40 लीटर वाली आप पसंद करते हैं, तो क्या रेट अगर एवरेज देखा जाए तो आ जाता है? सर देखिए, पहली बात तो 40 लीटर दूध का कोई रेट नहीं होता। अच्छा, है। अच्छा। कोई रेट नहीं होता सर। एक अवधारणा जो बनी हुई है दिमाग में लोगों के कि 40 लीटर वाली गाय इतने में मिल जाएगी, 40 लीटर वाली गाय आपको 1.5 लाख में भी मिल सकती है और 3 लाख में भी मिल सकती है। अच्छा, अच्छा। ठीक है सर। अब ये फर्स्ट लैक्टेशन की गाय है, ठीक, इसकी कैपेसिटी जो है वो मैं समझता हूँ। अभी गाय मैंने कितने की खरीदी वो मैं जानता हूँ। बाकी 40 लीटर वाली गाय मुझे 1.5 लाख में भी मिल जाएगी। तो अब हम आपके फार्म के मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहेंगे, तो अभी टोटल आपके पास कितनी कैटल है सर? अभी तो मेरे पास सर मेरे ख्याल से तो 25-30 25-30 है। हाँ जी, हाँ जी। और 25-30 को मैनेज करने के लिए आप कितने लेबर अभी रख रहे हैं? दो लेबर है सर। दो लेबर से पूरे मिल्किंग वगैरह सब मैनेज कर लेते हैं? सब सब सब। अच्छा, अच्छा। तो जैसे सुबह में आपको भी फिर लगना पड़ता होगा? बिल्कुल बिल्कुल, श्योर है। अच्छा, तो जैसे पहला काम क्या होता है सुबह का सर? पहला काम ये होता है कि गोबर की सफाई। जी जी। वो जगह सुरक्षित हो जाए, साफ हो जाए, जहाँ पे मुझे मिल्किंग करनी है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है सर। तो अब उसके बाद में फिर मिल्किंग स्टार्ट हो जाती है। मिल्किंग के बाद में फिर इनको पानी पिलाना, फिर उनको नया फीड देना, ये चीजें स्टार्ट होती हैं। नहलाना धुलाना। जी जी। तो आपने बताया सर फीड, तो फीड में क्या क्या देते हैं और क्या क्या पशुओं को देना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं। सर देखिए, अलग अलग, जैसे प्रेग्नेंट पशु का फीड अलग है, ट्रांजिशन फीड अलग है, जो 20-21 दिन बच्चा देने वाली है, ठीक है, बच्चियों का फीड अलग है, कब ग्रोवर उनका अलग रखा हुआ है, हाई मिल्किंग प्रीमियम है, जो हाई इल्डर ज़्यादा हैं, हाई मिल्क वाली उधर है, ठीक है सर। तो इस तरीके से दानों को भी डिवाइड किया जाता है, हाँ, किसको क्या देना है, तो अलग अलग तरीके के फीड। तो जैसे अगर मात्रा देखा है मिल्किंग वाली का, तो कितनी मात्रा में देते हैं? अभी तो सर मात्रा तो इनका 12 केजी कम से कम फीड होना चाहिए। अच्छा, अच्छा। बट ये अभी 8 किलो से ज़्यादा नहीं इंटेक कर पा रही हैं। अच्छा, अच्छा। जी, तो फीड के अलावा और क्या देते हैं सर? अब फीड के अलावा सर शाम को रात को हम लोगों के यहाँ एक परंपरा बनी हुई है कि जो तसला होता है छोटा छोटा, उसमें हम फीड सप्लीमेंट वगैरह, जैसे कि एनर्जी बूस्टर हुआ और ये लीवर टॉनिक हुआ, थोड़ा सा मीठा सोडा वगैरह भी ऐड करते। अच्छा। हैं, ठीक है, हमारे दाने में सब कुछ मिला हुआ है। जी जी। बट अपनी संतुष्टि के लिए हम वो थोड़ा थोड़ा अलग शाम को इनको देते हैं। अच्छा, एक गाय को कितनी मात्रा में, कितना? एक गाय में मींस मान के चलिए 1 केजी रहता है। 1 केजी रहता है। 1 केजी उसी में सब कुछ मिक्सअप कर देते हैं। अच्छा, क्या क्या मिक्स आपने बताया सब फीड सप्लीमेंट में, क्या क्या सर बताया? फीड सप्लीमेंट में जैसे मीठा सोडा हो गया, मीठा सोडा हो गया, एनर्जी बूस्टर हो गया, एनर्जी बूस्टर जिसको जो जरूरत है, जी जी, कैल्शियम हो गया, जी, इसके अलावा किसी गाय को कोई दिक्कत परेशानी हल्की फुल्की तो दवा भी पीस के उसी में मिला देते। अच्छा। हैं जी। तो रात को एक ठंडी का मौसम है तो एक एक गुड़ भी दे देते हैं। जी जी। तो ये डेली रात को चलता है, 365 होते हैं। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। और उसके बाद डीवॉर्मिंग शेड्यूल के बारे में बात करना चाहेंगे आपसे, तो वो कितने दिनों पे करा लेते हैं? हर 3 महीने। 3 महीने पे। तो क्या शॉल्ट बदल बदल के करते हैं या? हाँ, शॉल्ट बदलते हैं, हमेशा बदलते हैं मौसम के हिसाब से, हम शॉल्ट बदल देते हैं। अच्छा, अच्छा। जी, जैसे अभी अगर ठंड के मौसम में किस तरह का शॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं? अभी तो हमने जो स्टार्ट में 1 महीना पहले किया था, न्यूजाइड प्लस से किया था। अच्छा, अच्छा। इंटास की दवा आती है। जी जी जी। तो अब सर फीड के बाद हम बात करने वाले हैं आपसे कि पशुओं को रख रखाव में परेशानी, रोग वगैरह को लेकर के क्या क्या परेशानी आ सकता है या आया हुआ है या आ सकता है ये आने वाले समय में, इस चीज के बारे में बात करना चाहेंगे सर आपसे। देखिए सर, जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो हल्की फुल्की बीमारी आती रहेगी, टेम्परेचर आ सकता है और तमाम सारी, बट जो बीमारी का एक टाइम होता है वो मैं जो समझता हूँ 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक। अच्छा। वहाँ पे जानवरों को ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है और जानवर का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता है। जी जी। उस समय तमाम सारी बीमारियाँ अटैक कर सकती हैं, जैसे एक तो बेसिक है कि किलनी, किलनियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं। अच्छा। उसका आपको ध्यान देना है। जी। दूसरी चीज़ मैस्टाइटिस वगैरह भी, क्योंकि एसिडोसिस उस समय बहुत ज़्यादा बनता है, जानवर फीड इनटेक करता है, तो जब जानवर कमज़ोर होगा तो इम्यून सिस्टम उसका कमज़ोर होगा और कमज़ोर होने की स्थिति में ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो उस चीज़ को हम मेंटेन करने के लिए, यानी कि दिक्कतें ना आए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? उसके लिए सर बेहतर प्रबंधन ही एकमात्र चारा है आपके पास। हाँ, तो बेहतर प्रबंधन में फीड मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए, यही ना? फीड मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए, जैसे कि हमारे सुधीर सर बताते हैं कि जब गर्मी आती है तो वो अपने फीड में लाइव ईस्ट की मात्रा बढ़ा देते हैं, ठीक, तो जिससे जानवर फीड इनटेक कर पाए और जो भी इनटेक करे वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो। अच्छा, अच्छा। वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो। बाकी हरे चारे का प्रबंधन बढ़िया होना चाहिए, साइलेज
बेहतर होना चाहिए। जी 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 बराबर, साइलेज के बगैर डेयरी फार्मिंग आप कर ही नहीं सकते हो। हाँ आप कर नहीं सकते, आप प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते हो अपनी डेयरी को। तो अब दो तीन समस्याएं जो हमने मुख्य रूप से अभी तक देखा है डेयरी फार्म पे घूमने पे सर, एक थनाइल, एक रिपीट ब्रीडिंग, जी दो समस्या हमने देखा। उसके बाद एलएसडी वगैरह, तो मुझे लगता है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन होती है कि नहीं होती है? हाँ वैक्सीनेशन हो गया। कब कब होती है सर ये वैक्सीनेशन? आप अपने हिसाब से साल में दो बार मैं कराता। अच्छा दो बार? जी जी। अच्छा तो मतलब किस किस की वैक्सीनेशन होती है? सारे जानवर की होती है। मतलब किस किस चीज की होती है सर? नहीं वो ट्राईबैक आता है ना। अच्छा ट्राईबैक का एक आता है, वो क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं भाई, वैक्सीन जी, वो ट्राईबैक की वैक्सीन, उसमें गलाघोटू और ये लंगड़ी जो ब्लैक क्वार्टर जिसको हाँ, बोलते हैं हाँ, हाँ, और एफएमडी, वो तीनों के टीके उसमें एड रहते हैं। हाँ जी वही मतलब। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं जैसे थनाइल कभी आपने फेस किया कि नहीं? फेस किया? नहीं फेस करना पड़ता है, प्राइमरी स्टेज पर ही हम उसको अच्छी तरीके से रिकवरी हो जाती है। कैसे? होम्योपैथ से? या नहीं होम्योपैथ नहीं, होम्योपैथ सर बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, उससे हम कुछ कर नहीं सकते। सर क्या है कि जब जानवर को आप, पहली बात तो जानवर पे बराबर आपको नजर रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप फार्मिंग कर रहे हो तो आप नौकरों के भरोसे आपने छोड़ दिया, आपको बराबर देखना पड़ेगा। अच्छा। जब आप बराबर देखोगे तो आपको कोई चीज बतानी नहीं है, आपके खुद समझ में आ जाएगी कि हमारे जानवर को क्या दिक्कत है। दूसरी चीज़ मिल्किंग करते समय हम पूरा दूध निकालते हैं। अच्छा। चार चार धार जी, जी। उसमें भी काफ़ी हद तक पता लग जाता है। अच्छा, अच्छा। कि जानवर को दिक्कत क्या है जी। तो अब अंततः में हम ये जानना चाहेंगे जी। कि अब तो आप इतनी काम कर लेते हैं डेयरी में, सब कुछ कर लिए, लेकिन आप प्रोडक्शन पे आते हैं जी जी जी, तो मिल्किंग में आपकी कितनी पशु है सर? मिल्किंग में मेरे पास 9 पशु हैं। 9 पशु हैं? 9 पशु में कितना दूध निकालते हैं? 9 पशु में अभी सर लगभग 2 क्विंटल प्लस 2 क्विंटल प्लस दूध निकाले, तो 2-20, 2-30 तक निकल जाता है। हाँ जी। तो किस रेट से आपका दूध जाता है सर? लगभग 45-45 के रेट जी, से जी, जी, जी। तो ये क्या 45 का रेट हमेशा मतलब बरकरार रहता है या कम ज्यादा होते रहता है? वो हमारे सिंह साहब का होटल है। अच्छा। अवधेश सिंह होटल, विगत 12 सालों से हम वहीं से जुड़े हैं। अच्छा अच्छा। और हमारे पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं, तो कहीं कोई बट नहीं होता है। वीकली हमको पेमेंट आराम से मिल जाता है, हमारा दूध चला जाता है सुबह शाम। तो आपके लिए काफी सौभाग्य की बात है कि आपको मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर कभी कोई दिक्कत, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मार्केटिंग में, क्योंकि आप प्रोडक्शन कर लेते हैं उसका सेल नहीं कर पाएंगे तो फिर तो दिक्कत है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो रेट कितना होना चाहिए ताकि जिससे कि बेनिफिट लोगों को मिल सके? सर रेट तो आज के प्रेजेंट टाइम की जो महंगाई है उसमें रेट अगर 55 आपको मिल जाए तो थोड़ा सा डेयरी आपकी और अच्छी तरीके से रन कर सकती है। जी जी। तो अब हम बात करेंगे जैसे अगर देखा जाए एक्सपेंस और इनकम का, क्योंकि मेन तो मोटो यही होता है डेयरी में। जी, जी, जी। ब्रीडिंग तो हम करके आगे डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अगर इनकम और एक्सपेंस का अंतर देखा जाए तो कितने का हो जाता है सर? अभी तो सर प्रेजेंट टाइम में आप मान के चलो कि लगभग 2800 से 3000 रुपए। अच्छा। पर डे। अभी हमारी 3 गायें मिल्किंग पे आने वाली हैं, 1 गाय ने बच्चा करा है और एक और है, 3 गायें हैं अभी। अभी तीनों आ जाएंगी तो ये प्रॉफिट का रेशियो जो है थोड़ा सा बढ़ेगा। लेबर वगैरह सब काट? हाँ सब काट। तो अच्छे मतलब एक अगर देखा जाए तो ये एक बिजनेस अगर देखा जाए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपको फुल एंगेज होना पड़ेगा इसमें। अच्छा, अच्छा। अगर आप इसको साइड बिजनेस मान के चलते हो तो आप पूरी तरीके से फेल हो। अच्छा, अच्छा। आप इसको एक छोटी मोटी इंडस्ट्री मान के चलो कि टाइम टू टाइम मुझे यहाँ पे समय देना है जी, जी। तब आप इसको प्रॉफिट में ला सकते हो। अगर कोई युवा साथी अगर इस लाइन में आना चाहता है तो उनके लिए क्या? बहुत अच्छी बात है, उसको 10 दिन 15 दिन किसी अच्छे फार्मर के सानिध्य में जाना चाहिए, साथ में जाना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए, फिर वो डेयरी स्टार्ट करें। अच्छा, अच्छा। बाकी कापी कलम लेकर कैलकुलेट करके इतने का दूध, इतने का ये, इतना प्रॉफिट, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कितने लीटर वाली पशु से शुरुआत करें तो बेहतर? कम से कम मेरा जो अपना ओपिनियन है सर कि कम से कम 25 लीटर प्लस से ही स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा जी। और कितनी पशु शुरुआत में लेकर के आए? कम से कम 5। 5 पशु लेकर के? 1-2 वाला जो फंडा है वो पूरी तरीके से गलत है। अच्छा, ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए होता है कि 2 पशु हैं, कोई 1 पशु बीमार हो गया, 5 पशु हैं, तो 5 पशु का मान के चलिए आप 1 क्विंटल दूध ही प्रोडक्ट कर रहे हो अकेले दम पे जी। ठीक है सर, तो आप कम से कम कुछ नहीं तो 4000 रुपये आपको मिल रहा है, 1500 रुपये आप खर्चा काट दो 5 पशु का, 2000 खर्चा काट दो, फिर भी आप 2000 रुपया मिलेगा, फिर आपका मन लगेगा जब आपको पैसा दिखाई देगा। 2 पशु लेके आओगे, 1 पशु बीमार हो गया, फिर वहाँ से आदमी थोड़ा सा निगेटिव मोड में जाना स्टार्ट हो जाता है। वो उसका नजरिया बदलने लगता है कि यार कुछ नहीं है, बेवकूफ बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए सर, काफी अच्छी आपने संदेश दिया हमारे पशुपालक भाइयों के लिए, और ये संदेश या ये जो मैसेज है उनके तक काफी उनको मदद मिलेगा डेयरी फार्मिंग में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत।